बज गए हैं सुबह के 4:47। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज इतनी सुबह सुबह कैसे गुड मॉर्निंग हुई है। तो बता दें कि आज हम लोग जा रहे हैं विठूर, और यहाँ मैं अभी रेडी हो गई हूँ और भाभी को मैंने तैयार कर दिया है। तो आइए भाभी से मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभिया। आज मम्मा ने आपको जगा दिया ना सुबह सुबह? सुबह थोड़ी अभी रात है ना। हाँ। अभी सूरज नहीं निकले ना? नहीं, हम लोग कहाँ चल रहे हैं? मोनी के वहाँ। इसको कुछ नहीं पता है। और ये देखिए अभी सुबह के 6 बजे हैं, और ये देखिए अभी भी पूरा का पूरा अंधेरा है। और ये देखिए चंदा मामा। और यहाँ मैं देखिए अपने घर की गली के बाहर खड़ी हुई हूँ, और अभी भी पूरा अंधेरा अंधेरा है। आइए आपको दिखाते हैं कि कितना सन्नाटा है इस समय रोड पे। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं दीदी और जीजा का वेट, और वो लोग आ रहे हैं, बस आके सीधे निकलेंगे। पहुंच गए हैं और धूप बहुत तेज है। तो आइए आपको एक नज़ारा दिखाते हैं, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, तो आइए आपको भी दिखाते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और सूरज देखिए ठीक सामने। मेरे बच्चों कैसा लग रहा है? ठीक है। ठीक है बस। और भाभीया तुम? भाभीया कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। हम तुम साथ में चलेंगे नाव में। हमको नहीं ले चलोगी भाभीया? या तो नहीं, हम आपको हाथ पकड़ के चलेंगे। हाँ, हमको ले चलोगी ना? आओ बिस्किट खरा लो। और ये देखिए यहाँ पे डुबकी लग रही है। और ये देखिए यहाँ भी आपको ये सब सामान मिल जाएगा। ये देखिए और इसके जस्ट बगल में आपको खाने पीने की ये छोटी सी दुकान है। ये देखिए जैसे आपको चाय चिप्स जो भी है सब मिल जाएगा। और भाभी कहाँ जा रही है? और ये देखिए यहाँ श्री माँ गंगा आरती सुमति की तरफ से, ये देखिए यहाँ पे है मूर्ति बनी हुई है गंगा जी की। यहाँ पे बन रही है देखिए चाय। और ये देखिए आपको मैंने सोचा पास से भी दिखा दे, ये देखा आंटी। और ये देखिए इसकी दुकान पर ये सब सामान मिल रहा है, देखिए। और ये देखिए मिठाई, क्योंकि भूख लगी है तो दीदी मिठाई लेके आई है, तो एक एक पीस तो बनता है, और मिठाई तो मेरी फेवरेट है। मजा आ गया, बहुत ही यम्मी और टेस्टी दूध की मिठाई। बहुत दूर दूर से आता है। अच्छा क्या खा रही हो? मिठाई। मिठाई?
ओके आपको अच्छा लग रहा है? छोटे ने तो हाँ कह दिया आप। और अब भाव्या बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितनी प्यारी घंटी, और ये देखिए यहाँ पे घुंघरू कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए और ये देखिए बहुत ही प्यारे। तो मिठाई खा के चाय पी के अब तो हम लोग चलते सीधे मंदिर की तरफ। हम लोग को जाना है महाकालेश्वर मंदिर, तो जस्ट हम लोग के सामने है, तो बस चलते हैं। और यहाँ पे जीजा जी ले आए हैं जलेबी, और ये देखिए। देखिए कितना बढ़िया नजारा है, तो मैंने सोचा ऊपर से चल के कुछ लेते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छे ब्लॉग बनाने के लिए देखिए मुझे कहाँ कहाँ चढ़ना पड़ता है, ताकि आप लोगों को भी कुछ अच्छा अच्छा दिखा सके। और ये देखिए आज छोटा पीले कुर्ता और वाइट पजामे में कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हो छोटे आज, और बहुत अच्छे भी लग रहे हो। और ये भाव्या, अरे बगल में खड़े होके तो चार चाल लगा रही है अपने भाई के साथ में। कुछ बोल दो भाव्या, कुछ बोल दो, कुछ बोलना चाहोगी? बैठूंगा तो बैठ जाओ। और ये भाव्या यहाँ अपने पापा के साथ, और साथ में चले गए हैं छोटे भी। आज इनको कुछ फोटो सेशन करने का बहुत सवाल हुआ है, तो ये देखिए काफी देर से फोटो खींच रहे हैं। और इन्होंने ही मुझे यहाँ यहाँ ऊपर चढ़वाया था, यहाँ पे कि यहाँ पे चढ़ो। भाविया देखिए कितने प्यार से मुंह धुलवा रही है, इनका तो नहाने का मन था लेकिन थोड़ा ठंडी होने की वजह से बस हाथ मुंह धुलवा दे रहे हैं। और ऐसे सर से कर दो पानी थोड़ा सा, हाथ लो अच्छे से। भाविया को तो बहुत मजा आ रहा होगा, क्यों भाविया? इनको तो और चाहिए। और ये देखिए मजा आ गया भाव्या को। बस चलिए। और यहाँ भाव्या के पापा देखो भाव्या के कितने प्यार से चुटिया बना रहे हैं, है ना भाव्या? क्यों भाव्या? अच्छा लगा ठंडा ठंडा? हाँ। मजा आया ना? हाँ। अगली बार आएंगे तो कपड़े लेके आएंगे, गर्मियों में आएंगे फिर नहाएंगे, है ना? क्यों? तो कपड़े लेकर आना। हाँ हम भी लेके आएंगे, आप भी लेके आना, ठीक है ना? गुल्लू भी, सब लोग। अभी ठंडी है ना, हवा चल रही है। तो बस सीधे निकल रहे यहाँ पे।
लोग की गाड़ी रोकी गई है क्योंकि यहाँ पे देखिए मिले हैं हमको पानी के बताशे, तो सोचा कि चलिए पानी के बताशे खाते हैं कानपुर में। जीजा जी देखो बताशे खाते हैं, मैंने कैप्चर कर लिया जीजा जी को। कानपुर की भेलपूरी अच्छी लग रही खाने में, चटपटी चटपटी। और गर्मी का हाल देखिए, यहाँ पे खरीदी है आइसक्रीम मेरी और दीदी की, बहुत गर्मी हो रही है। दीदी और जीजा जी को यहाँ पे देखिए छोड़ दिया है, बाय 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 बाय। तो सीधे चलते हैं घर की तरफ, बहुत थक गए पूरे रास्ते सोते सोते हुए आए, तो बस इस ब्लॉग का एंड मैं यही करूंगी, बहुत लंबा नहीं करूंगी। प्लीज अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।